वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की या जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ, सो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। प्रूफ करना है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इतने टाइम्स के इक्वल है। एम सी एन एच हैज देयर यूजुअल मीनिंग, ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी लाइट वेलोसिटी, एच प्लैंक कांस्टेंट। सो हमें रेशो फाइंड करना है किसका, फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी वैल्यू ये आएगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। सो एनर्जी फोटोन की जो भी वैल्यू आएगी उसके टाइम्स के बराबर हो जाएगी, के टाइम्स क्या हो जाएगा, टू लैम्डा एम सी अपॉन एच, वो आ जाएगा। सो एच सी भी है उसमें, लैम्डा भी है, एम भी है, सो वी को एलिमिनेट करना है। अब वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसके लिए हम यूज कर लेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। सो वी किसके इक्वल, एच अपॉन एम इंटू लैम्डा, इसको पुट कर देंगे यहां पर अपने आप आ जाएगा आंसर। सो एच सी ये टू ऊपर अपॉन लैम्डा डिनोमिनेटर में इंटू एम, और वी की वैल्यू ये रही एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एच से एच, सो क्या बचेगा, टू सी एम लैम्डा अपॉन एच। ये है ई इलेक्ट्रॉन ओ फोटोन की एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। सो फोटोन की एनर्जी टू एम सी इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू की, यही प्रूफ करना था, फोटोन की एनर्जी इतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, टू लैम्डा एम इंटू सी अपॉन